एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये लास्ट लेक्चर जो मैंने एमडीयू का 2017 का एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम का जो अपलोड किया है, उसी सॉल्यूशन को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर है, क्वेश्चन क्या आया हुआ है आपके पास, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गेट वगैरह के एग्जाम में भी आता है इवन एमएससी के बाद ये कंसेप्ट। ए पार्टिकल है जिसका मास एम है, मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स, यानी पार्टिकल पर सेंट्रल फोर्स काम कर रही है। उस पोटेंशियल इज गिवन बाय वी आर, पोटेंशियल को आप डिनोट करे हो वी आर, जो कि आर का फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू के इंटू एम आर क्यू, वेयर के इज ग्रेटर देन जीरो। देन एंगुलर मोमेंटम फॉर विच द ऑर्बिट विल बी ए सर्कल, एंगुलर मोमेंटम आपको उस कंडीशन में निकालना है जब आपका ऑर्बिट जो है सर्कुलर हो। ऑफ रेडियस आपको क्या गिवन है, ए है, अबाउट द ओरिजिन इज, वैल्यूज़ हैं आपके पास m इंटू स्केयर रूट ऑफ 3 के ए, एम इंटू ए स्केयर स्केयर रूट ऑफ के ए, थर्ड ऑप्शन है m ए स्केयर इंटू स्केयर रूट ऑफ 3 के ए, एंड फोर्थ ऑप्शन है m ए इंटू स्केयर रूट ऑफ के ए। सोल्यूशन देखिए, पोटेंशियल आपको गिवन है वी आर इज इक्वल टू के इंटू एम आर क्यू, एज ऑर्बिट विल बी ए सर्कुलर सर्कल या सर्कुलर कह लो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एम वी स्केयर बाई आर, जो कि सेंटीमीटर फोर्स है, दैट मस्ट बी इक्वल टू डी वी बाई डी आर। ये कंडीशन आप याद रखिए। यहाँ से वी आर से फर्स्ट इक्वेशन से डी वी बाई डी आर क्या आएगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या आ रहा है, के एम कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का 3 आर स्केयर है, यानी 3 के एम आर स्केयर। अब इसको सेकेंड कंडीशन में रखिए, एम वी स्केयर बाई आर इज इक्वल टू 3 के एम आर स्केयर, और आपको यू हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम, जो कि एल इज इक्वल टू एम वी आर होता है। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में m से मल्टीप्लाई कीजिए, m से डिवाइड कीजिए, r स्केयर से मल्टीप्लाई कीजिए, r स्केयर से डिवाइड कीजिए, दैट इज इक्वल टू 3 के एम आर स्केयर, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू l इज इक्वल टू एम वी आर होता है, तो l स्केयर इज इक्वल टू 3 के एम स्केयर बन गया, यहाँ से r क्यूब आया, यहाँ से r स्केयर था, तो 3 के एम स्केयर इंटू आर फाइव। एल स्केयर आपके पास आ रहा है 3 के एम स्केयर आर फाइव आ गया। अब r आपके पास रेडियस क्या है, a है, तो एल स्केयर उस कंडीशन में क्या होगा, 3 के एम स्केयर, आर की जगह ए सब्सटीट्यूट कीजिए, ए फोर इंटू ए, और यू कैन सी एल इज इक्वल टू इसका स्केयर रूट लीजिए, क्या आएगा 3 के और ए, एम स्केयर का एम आ गया, ए फोर का ए स्केयर आ गया, और यू कैन सी एल इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 3 के ए इंटू एम ए स्केयर। यहाँ से ऑप्शन आपके पास होगा यस, एम ए स्केयर इंटू स्केयर रूट ऑफ 3 के, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंडे जी फैक्टर, ये आपके पास एनोमेलस जी मैनिफैक्ट में आता है, जो कि बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ते हैं आप। क्वेश्चन क्या आया हुआ है आपके पास, लेंडे जी फैक्टर फॉर द 3p1 लेवल, 3p1 लेवल है ऑफ एन एटम इज, ऑप्शंस हैं हाफ, 3/2, 5/2 एंड 7/2। वी नो वेरी वेल लेंडे जी फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, 1+j(j+1) प्लस s(s+1) माइनस l into l plus 1 डिवाइडेड बाई 2j(j+1). j क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, s होता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये l क्या होता है, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, j क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब आप 3p1 तो आपको दे दिया, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ j, s एंड l यूजिंग दिस टर्म। टर्म सिंबल क्या होता है आपके पास, 2s+1lj, इन दोनों को यहाँ से कंपेयर कीजिए। 2s+1 को आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कहते हो, 2s+1 इज इक्वल टू, अगर आपके पास 3 है, ये है 2s+1 इज इक्वल टू 3, एस क्या आ गया 3-1 यानी 2/2, दैट इज इक्वल टू 1, एस की वैल्यू आ गई। जे की वैल्यू क्या है, दिस वन जो सबस्क्रिप्ट में है 1। अब एल की वैल्यू क्या होगी, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, तो एस की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 1, जे की वैल्यू आ चुकी 1, एल की वैल्यू आ चुकी 1, जस्ट इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या आएगा, जी इज इक्वल टू 1+j की वैल्यू है 1 इंटू 1+1 यानी 2 प्लस एस की वैल्यू है 1 इंटू s+1 2 माइनस एल की वैल्यू है 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जे की वैल्यू है 1 इंटू j+1 यानी 2, क्या आ रही है 1+2 से 2 कैंसिल आउट, -2 रह गया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 2+2 यानी 4, 1-1/2 ये कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, तो ये क्या आएगा हाफ, इट मीन्स हाफ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 50 किलो वोल्ट इज अप्लाइड पोटेंशियल इन एन एक्सरे ट्यूब
एक्सरे ट्यूब में अगर आपने 50 किलो वोल्ट लगा दिया है देन द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड इज, जो एक्सरे प्रोड्यूस होंगी उनकी मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, क्या क्या ऑप्शंस हैं, 0.2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 0.2 एंगस्ट्रॉम एंड 2 एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, यहाँ से बेस्ड आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दे देना, DU का दे देना, JNU का देना, या CU सेट के थ्रू देना, या MDU का देना, GJU का, कोई भी एग्जाम दोगे कि KU का देना, सब में ये क्वेश्चन आएगा लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकालना अगर पोटेंशियल आपको गिवन है तो। जब मैंने एंट्रेंस दिया था DU का उस टाइम पे भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो गिवन पोटेंशियल है आपके पास 50 किलो वोल्ट, इस वैल्यू को आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें लैम्डा मिनिमम के लिए, 12.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर में आएगी ये। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, 10 रेज़ टू पावर 3 यानी 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 बन गया। 12.42 को 50 से आप डिवाइड करोगे दैट इज़ इक्वल टू 0.24, और यू कैन से 0.24 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10 इज टू पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल। तो ये यूनिट्स के लिए, छोटी छोटी वैल्यू के लिए आप केयरफुल रहना है, नैनो में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, 0.2 एंगस्ट्रॉम, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये BSc फाइनल ईयर में आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मोस्ली लॉ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेक्टरिस्टिक एक्सरे रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ दिस। मोस्ली ने क्या कहा, यानी फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगी, किसके स्केयर के प्रोपोर्शनल होगी। एटॉमिक, इसमें आप ध्यान रखना यहाँ पे स्केयर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है हमें, बल्कि फ्रीक्वेंसी दिया है। तो एटॉमिक नंबर का या वेट का क्या आ जाएगा, स्केयर आएगा। अब उसको देखते हैं, यहाँ से क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू मोस्ली लॉ रूट न्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस पी। ये आपके पास जो है मोस्ली ने बोला था, फ्रीक्वेंसी का स्केयर रूट ले रही हो तो किसके प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के। लेकिन ये माइनस भी कहाँ से आ रहा है, ये इंटरसेप्ट की वजह से। ये आपके पास ग्राफ था अगर आपको याद हुआ, स्केयर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जेड होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट जिससे आपकी एक्सरेज निकल रही हैं। तो ये के अल्फा और एल अल्फा लाइन्स के लिए था आपके पास। तो यहाँ से आप स्केयरिंग करेंगे तो न्यू इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो ए, और जेड माइनस बी होल स्केयर। तो किसके प्रोपोर्शनल हुआ फ्रीक्वेंसी, एटॉमिक नंबर के तो प्रोपोर्शनल ना, एटॉमिक वेट वगैरह का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शंस थे आपके पास, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। सो आप देख सकते हो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज पर या यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से फाइनल ईयर की। अगर आप अपने जो है MDU का एंट्रेंस देना चाह रहे हो या JNU का, DU का, तो फाइनल ईयर में आपको जैसे इधर 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, चारों को आप अच्छे से टिप्स पर कर लें, काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से है। ऑल वाइब्रेशंस प्रोड्यूसिंग ए चेंज इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इल रमन इफेक्ट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा और एक्सरे स्पेक्ट्रा। अगर आपके पास जो है मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंज हो रहा है, कि जो वाइब्रेशन हो रही है ना मॉलिक्यूल में, उनके डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है, तो आपके पास कौन सा इफेक्ट होगा, रमन होगा, IR होगा, UV होगा या एक्सरे होगा। अगर आपके पास मॉलिक्यूल की परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंज आ रहा है तो वो क्या शो करेगा, IR स्पेक्ट्रा। सो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है, इट मींस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा और यू कैन से IR स्पेक्ट्रा, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाता है ये। डेविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट्स रिलेट्स टू इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन और क्वांटाइजेशन। एक्चुअली डेविशन और जर्मन एक्सपेरिमेंट ने, ये बार्क में भी अभी 21 में क्वेश्चन आया था, काफ़ी ईजी है BSc लेवल का। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, अगर आपके क्रिस्टल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे हैं तो वो क्या शो करेंगे, डिफ्रेक्शन पैटर्न शो करेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी आता है ये कंसेप्ट। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन और वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। सबसे पहले आप ये समझ लें कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था। डी ब्रोगली ने क्या कहा था, जब कोई पार्टिकल्स मोशन में हैं तो उनके साथ कोई ना कोई वेव भी एसोसिएटेड होगी, और उस वेव की वेवलेंथ अगर आपको याद हो, डी ब्रोगली की वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है, एम मास ऑफ पार्टिकल है,
वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होगा, इज एसोसिएटेड विद वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे लिमिटेड नहीं है कि अल्फा पार्टिकल्स के वेव नेचर को ही दिखाएगी, सभी मटेरियल पार्टिकल्स यानी जो पार्टिकल्स मोशन में हैं सबके साथ एसोसिएटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू द रीजन, दे दिया है आपका 0 to L, ये एक्स है आपका 0 to L। वन डायमेंशन में इफ़ द पार्टिकल इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहले एक्साइटेड स्टेट में है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट। अगर पार्टिकल आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट क्या होता है इसमें, n इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्टिकल की मिलने की इसमें, x इक्वल टू L/2, L/3 या L/6 या L/4 एंड 3L/4। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिएगा, हमें पता है जब पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो वेव फंक्शन क्या होगा, इन जनरल आपके पास क्या होता है, पार्टिकल आपका बॉक्स में है तो √2L साइन एन पाई एक्स बाई एल। ग्राउंड स्टेट स्टार्ट होता है n इक्वल टू 1 से, फर्स्ट एक्साइटेड कहाँ से होगा, n इक्वल टू 2 से। जस्ट सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2, √2L साइन ऑफ 2πx/L। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मोड साइज की है dx, वन डायमेंशन में है, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ से, 2πL साइन की है 2πx/L dx। अब हमें चार रीजन हैं, चारों रीजन्स में हम चेक कर सकते हैं, जहाँ भी साइन स्केयर की, ये तो कॉन्स्टेंट है सबके लिए, रीजन के लिए जहाँ भी आपके पास साइन स्केयर 2πx/L की वैल्यू मैक्सिमम आए, उसी रीजन में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप फर्स्ट रीजन के लिए चेक कीजिए, x को L/2 सब्सटीट्यूट कीजिए, जो कि फर्स्ट रीजन है, रखिए इसमें साइन स्केयर 2π/L इंटू L/2, L से L कैंसिल आउट, 2 से 2, साइन स्केयर पाई पर क्या देगा, 0, यानी यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या बन गई इस रीजन में, 0। नेक्स्ट है x इक्वल टू L/3, यहाँ पे L/3 सब्सटीट्यूट कीजिए, साइन स्केयर 2π/L इंटू L/3, L से L कैंसिल आउट, 2π/3 को क्या लिख सकते हो, π/3, और π/3 की वैल्यू होती है √3/2, साइन स्केयर है यानी इसका होल स्केयर लोगे, दैट लेस देन 0.64 समथिंग आएगी, तो वो क्या रही, लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू L/6 पे, तो साइन स्केयर 2π/L और x की जगह रखिए L/6, L से L कैंसिल आउट, क्या आया, साइन स्केयर π/3 विच इज़ अगेन लेस देन 1। फोर्थ ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, x इक्वल टू L/4 पे भी चेक करो, 3L/4 पे भी, L/4 पे चेक करो इसको, ये जो आया हुआ है आपका दिस वन, साइन स्केयर 2π/L, x की जगह रखो L/4, यानी L से L कैंसिल आउट, π/2, साइन की वैल्यू π/2 पे क्या होती है, 1, तो साइन स्केयर π/2 क्या हुआ, 1। इसी तरह से आप 3L/4 रखिए, साइन स्केयर 2π/L इंटू 3L/4, L से L कैंसिल आउट, क्या आ रहा है, 3π/2, अगर आप ध्यान से देखोगे, साइन स्केयर 3π/2। अब साइन की वैल्यू 3π/2 पे माइनस 1 होती है, लेकिन होल स्केयर मिलके क्या बना देगा, 1। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, यहाँ भी लेस देन थी, यहाँ भी लेस देन 1 थी, ये 0 है, यहाँ पे क्या है, 1। तो x इक्वल टू L/4 पे और 3L/4 पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ ए प्रोबेबिलिटी क्लाउड अकर्स एट ए रेडियस प्रोपोर्शनल टू, जो प्रोबेबिलिटी है वो रेडियस, कौन से रेडियस पे, जब आपका रेडियस n के प्रोपोर्शनल होगा, n स्क्वायर के, n क्यूब के, n फोर के, n आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डेंसेस्ट पार्ट मिलता है, तो आंसर आपके पास रहेगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फिर से आ रहा है हमारे पास, क्या निकालना है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी क्या है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर क्या है, 10^-8 मीटर, 10^-10 मीटर, 10^-12 मीटर और 10^-14 मीटर। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है आपके पास, लैम्डा इज गिवन बाई h/mv, लेकिन आपको एनर्जी गिवन है, आपको मोमेंटम तो नहीं गिवन है ना, तो कन्वर्ट दिस मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है आपको याद होगा, p² / 2m, यहाँ से p² क्या आ जाएगा, 2me, और यू कैन से p की जगह रखिए h/√2me। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, इलेक्ट्रॉन की पूछी गई है, एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मास है kg में 9.1 × 10^-31, एनर्जी है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कीजिए, प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है आपकी, 6.6 × 10^-34, 2 m है 9.1 × 10^-34, और एनर्जी क्या थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप जूल में कन्वर्ट करोगे, 150 × 1.6 × 10^-19, दैट इज इक्वल टू 6.6 × 10^-34। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 9.1 को 150 को 1.6, 4368 आ गया, और यहाँ से आ रहा है 10^-50, जो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आएगा 10^-25, दैट इज इक्वल टू 6.6 /
इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 66, यहाँ से आ रहा है 10^-34, 10^-25, दैट इज़ इक्वल टू, ये आपका ऑप्शन आ था 10^-9, एक 10 नीचे से आएगा तो 10^-10 मीटर। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल विद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल इज, किसी भी सब सेल में जब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 2×2L+1। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। ये टू फैक्टर किसकी वजह से आ रहा है, एम एस वैल्यूज की वजह से आ रहा है, जो हाफ एंड माइनस हाफ होती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सब सेल में कितने होंगे, 2×2L+1, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, 2×2L+1। ओके, इसी तरह से मैं इस सोल्यूशन को कंटिन्यू अपलोड करती रहूँगी। ये आप सबकी ही डिमांड थी, काफ़ी बच्चों ने कमेंट की थी कि प्रीवियस ईयर्स का MDU का या DU का सोल्यूशन डालिए, तो इस तरह से मैं सोल्यूशन कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू।